I thought I should make a video rather than just giving the levels. So, यहाँ पे गोल्ड सिल्वर एंड क्रूड ऑयल बोथ इन डॉलर टर्म्स एंड रूपी टर्म्स एमसीएक्स का जो है उसके ऊपर एक एक रिव्यू दे रहा हूँ एंड सी वेदर इट इज मैचिंग योर लाइंस। गोल्ड अगर डॉलर टर्म्स में देखेंगे तो 1870.90 पे क्लोज दिया है एंड एज फार एज द डेली टाइम फ्रेम इज कंसर्न बोथ प्राइस एक्शन एज वेल एज द आरएसए टर्म्स में देर आर हायर प्रोबेबिलिटीज कि डॉलर टर्म्स में इट फर्स्ट टारगेट इज एक्सपेक्टेड टू बी 1920 के आसपास एंड देन योर 1980 वंस इट ब्रेक्स अबव दैट पर्टिकुलर 1920 देन एक्सपेक्टेड लेवल इज 1980। यहाँ पे अगर देखेंगे कि ये जो एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन सपोर्ट बना हुआ है अगर बाई चांस ये आरएसआई इस लाइन के नीचे आ जाता है तो ये जो रीडिंग से इट विल गेट निगेटेड यानी स्टॉप लॉस तभी होगा अगर ये आरएसआई टर्म्स में ये दोबारा ऐसा करके घूम के इसके नीचे क्लोज दे देता है देन ये जो व्हाट एवर कैलकुलेशंस आर देयर वो कैलकुलेशंस निगेट हो जाएगा। अगर हम इसको डॉलर टर्म्स में देखेंगे तो बेसिकली एक रेक्टेंगल या रेंज है मेजर रेंज है इधर आपका 1970 एंड ऑन द लोअर साइड इट इज 1700 एंड करेंटली इट इज ऑन द अपर पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर रेंज तो दिस दैट इज 1960 से 1970 इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड ए रेजिस्टेंस। अगर हम आरएसए टर्म्स में भी देखेंगे इसको अगर ऊपर जाना है दैट मींस आपका 1970 के ऊपर जाना है तो ये जो आरएसआई है रेड लाइन के ऊपर जाना चाहिए। अगर हम मंथली में देखेंगे मंथली में एज ऑफ नाउ ये थोड़ा सा जो आरएसआई के ऊपर जो रेड लाइन ये वाला रेड लाइन है हल्का सा रेजिस्टेंस है व्हाट इट मीन सिग्निफाइज जो अप मूव है इतना ब्रिलियंट अप मूव वन साइडेड अप मूव नहीं है इन डॉलर टर्म्स। फर्स्ट सो द फर्स्ट रेजिस्टेंस 1920 देन 1980 टाइप्स। अगर हम एंड इसका जो स्टॉप लॉसेस है अगर आरएसए इसके नीचे बैंड होके इस ट्रेंड लाइन के नीचे चला आता है देन ये जो कैलकुलेशन है पूरा का पूरा निगेट हो जाएगा। अगर हम रूपी टर्म्स में देखेंगे रूपी टर्म्स में थोड़ा ज्यादा स्ट्रेंथ दिख रहा है इन कंपैरिजन टू डॉलर टर्म्स तो रूपी टर्म्स में फ्राइडे का जो क्लोजिंग दिया है ये विथ ए ह्यूज वॉल्यूम सो डेट बीइंग द केस हमारा जो भी कैलकुलेशन होगा उसका स्टॉप लॉस इसके लो के नीचे यानी एनी प्राइस एक्शन क्लोजिंग बिलो दिस पर्टिकुलर लाइन ऑल कैलकुलेशंस विल निगेट। तो अभी ऐसा लग रहा है रूपी टर्म्स में ये जो फ्राइडे को क्लोज दिया है 51,700 एंड इन कमिंग डेज देर आर हायर प्रोबेबिलिटीज इट इज गोइंग टू 53,500 एंड उसको अगर कन्विंसिंगली क्लोज दे देता है उसके ऊपर देन वी मे एक्सपेक्ट 55,000 इज द सेकेंड टारगेट। ये कैलकुलेशंस एक तो है प्राइस एक्शन अगर 50,400 के नीचे निगेट करेगा वन मोर कैलकुलेशन इज दैट ये जो आरएसआई है ये अगर घूम के ये जो ब्लैक ट्रेंड लाइन है इसके नीचे क्लोज दे देता है तो मेरा जो ये कैलकुलेशन है पूरा का पूरा निगेट हो जाएगा। सो एज ऑफ नाउ रुपी टर्म्स में एमसीएक्स में गोल्ड इज मच स्ट्रॉन्गर देन द डॉलर टर्म्स। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट सिल्वर इन डॉलर टर्म्स। सिल्वर इन डॉलर टर्म्स में है 21.87। अभी यहाँ पे अगर देखेंगे ट्रेंड लाइन एक रेजिस्टेंस है डॉलर टर्म्स में डेली टर्म्स में अगर इसको ऊपर जाना है तो इस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर आरएसआई को जाना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ आरएसआई। और प्राइस एक्शन में हम देखेंगे तो समवट इसके ऊपर एक हल्का सा अपवर्डनेस हम देख सकते हैं टूवर्ड्स 23.27 टाइप्स। अगर हम वीकली में देखेंगे वीकली में फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो प्राइस है ये लोअर पार्ट ऑफ द बोलिंजर बैंड में व्हाट इट सिग्निफाइज ये अगर ऊपर में भी जाएगा तो रॉकेट की तरह ऊपर नहीं जाएगा इसको ऊपर की तरफ जाए
तभी रॉकेट की तरफ जाना है अगर ये अपर पार्ट ऑफ द बोलिंजर वेन में सस्टेन करेगा तो. लेकिन ये वीकली जो है ये लोअर पार्ट ऑफ द बोलिंजर बैंड में है. व्हाट इट सिग्निफाइज, इट विल फेस लॉट ऑफ रेजिस्टेंसेस ऑन ईच एंड एवरी ऑप्टिक. अगर हम मंथली में देखेंगे, मंथली में भी इट इज ऑन द लोअर पार्ट ऑफ द बोलिंजर बैंड. सो इन डॉलर टर्म्स वीकली एंड मंथली में लॉट मेनी रेजिस्टेंसेस आर देयर, देयर ये फ्री फ्लो नहीं होगा. डॉलर डेली टर्म्स में अगर इसको फ्लो करना है 2250 के ऊपर एक अपवर्ड मूवमेंट देख सकते हैं. फर्स्ट विल बी योर 23.25 एंड अगर इसको कन्विंसिंगली क्लोज दे देता है उसके ऊपर, देन थर्ड मेजर हर्डल इज 24.30 एंड योर 25.85. यहाँ पे मैं काफी लेवल्स चार लेयर ऑफ रेजिस्टेंसेस का डिस्कस कर रहा हूँ बिकॉज मार्केट मंडे ऑनवर्ड्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन का मूव ले सकता है. लेकिन ये RSI अगर दोबारा ये ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज दे देता है तो ऑल द कैलकुलेशंस यानी इसका जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ नहीं बचेगा एंड थोड़ा सा साइडवेज टू नीचे की तरफ एक्सपेक्ट हो सकता है अगर RSI इस टाइप का ट्रेंड लाइन के नीचे आ जाता है. अगर हम रूपी टर्म्स में देखेंगे, रूपी टर्म्स में भी आप देखोगे तो पहला ये एक रेजिस्टेंस लाइन है और इधर भी एक सपोर्ट लाइन है. तो इसको ऊपर जाने के लिए पहले ये RSI को ऊपर क्रॉस करना पड़ेगा, तब जाके एक अप मूव देख सकते हैं. तो बेसिकली हमें मेजर हर्डल्स आएगा आपका 64,400 में, देन माइनर, उसके बाद जो माइनर हर्डल्स होगा अगर ऊपर चला जाता है तो 66,000 में, 66,150 के आसपास, एंड द उसके उसके भी ऊपर अगर जाता है तो आपका ये 70,000 का एक टारगेट हो सकता है. एनी प्राइस सेक्शंस बिलो दिस ट्रेंड लाइन, RSI ट्रेंड लाइन, विल निगेट ऑल द अपवर्ड कैलकुलेशंस. अगर हम इसको मंथली में देखेंगे, वीकली में देखेंगे, वीकली में भी इट इज ऑन द लोअर पार्ट ऑफ द बोलिंजर बैंड. तो ये स्काई रॉकेट इतना जूम जूम करके नहीं जाएगा, थोड़ा जाएगा, रेजिस्टेंस फेस करेगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर रेजिस्टेंस फेस करेगा. दैट इज व्हाट एज ऑफ नाउ द बोलिंजर बैंड इज टेलिंग. अगर मंथली में देखेंगे, मंथली में भी इट इज ऑन द लोअर पार्ट ऑफ द बोलिंजर बैंड. आप देखोगे व्हाट आई वांट टू मीन, आप यहाँ पे देखोगे ये पर्टिकुलर एरिया पे क्या था, एक स्काई रॉकेटिंग अप मूव दिखा गया था बिकॉज प्राइस वॉज ऑन द अपर पार्ट ऑफ द बोलिंजर बैंड. अगर वीकली में भी देखेंगे, आपको अगर जब भी स्काई रॉकेटिंग वाला मूवमेंट आपको दिखा है, इट शुड बी ऑलवेज ऑन द अपर पार्ट ऑफ द बोलिंजर बैंड यहाँ पे. तो यहाँ पे एवरी अपटिक यहाँ पर भी रेजिस्टेंसेस मिलेगा एंड मंथली में भी सिमिलर है ऑन द लोअर पार्ट ऑफ द बोलिंजर बैंड. सो रेजिस्टेंसेस विल बी देयर इन एवरी अपटिक. अभी हम आते हैं क्रूड ऑयल पे. क्रूड ऑयल पे पहले डॉलर टर्म्स में देख लेते हैं. डॉलर टर्म्स में जो ऑल्दो इट इज कंटिन्यूअसली मेकिंग हायर हाई हायर लो, तो बियरिशनेस अभी इसमें दिख नहीं रहा है जब तक ये ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज नहीं दे देता है. अगर ये क्लोज ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज दे देता है तो इसका जो अपवर्ड बायस है वो थोड़ा सा कमजोर पड़ जाएगा. एज ऑफ नाउ एनी डिप मे बी बॉट अंटिल ये ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज दे देता है. अगर हम इसको वीकली में देखेंगे, वीकली में एक स्पिनिंग टॉप वाला कैंडल फॉर्म हुआ है विच सिग्निफाइज इनडिसिशंस. ये जो इनडिसिशन है व्हाट इट मींस के हाई के ऊपर एक अपवर्ड मोमेंटम आएगा, लो के नीचे एक सेल ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं. अगर हम इसको मंथली में देखने का कोशिश करेंगे, मंथली में ये जो है एक टिपिकल 127 का जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है इसको फेस कर रहा है. इन द मंथ ऑफ मार्च एक अपटिक मारा था 138 तक, लेकिन फिर दोबारा वो सस्टेन कर नहीं पाया. अभी इसको अगर ब्रेक करना है तो इसको एक कन्विंसिंगली एक बड़ा ग्रीन कैंडल से ब्रेक करना पड़ेगा, समथिंग लाइक दिस.
अगर इसको ऊपर की तरफ जाना है, ऊपर की तरफ कहाँ पे, टुवर्ड्स 150। तो एज ऑफ नाउ हमें मंथली टाइम्स फ्रेम में इसको देखना है, प्राइस सेक्शंस को इंतजार करना है। वीकली टाइम्स फ्रेम में ये जो स्पिनिंग टॉप है इसके हाई के ऊपर थोड़ा सा अपवर्ड मोमेंटम हम देख सकते हैं, एंड लो के नीचे थोड़ा सा हल्का सा सेल ऑफ हम देख सकते हैं। यहाँ पे बायस, न्यूट्रल एंड वेटिंग फॉर पार्टिकुलर प्राइस सेक्शन। अगर हम डेली में जो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं, जो मेजर हर्डल्स है आपका 129 पे, एक 129 से 131.50 इसमें एक मेजर हर्डल्स है इन डॉलर टर्म्स। अगर हम रूपी टर्म्स में एमसीएक्स में देखेंगे तो डेली टर्म्स में ये एक जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है इसके नीचे क्लोज अभी तक नहीं दिया। मंडे को अगर इसके नीचे क्लोज दे देता है थोड़ा सा हम सेल ऑप्टिक्स खेल सकते हैं। कैंडल अगर देखेंगे एक स्पिनिंग टॉप है, व्हाट इट सिग्निफाइज, लो के नीचे हल्का सा सेल ऑफ, हाई के ऊपर हल्का सा बाई, ज्यादा कुछ मेजर नहीं है। अगर हम मेजर बोले तो मेजर ट्रेंडेड एज ऑफ नाउ कुछ दिख नहीं रहे, बोथ साइड चॉपी वॉलेटल मूवमेंट्स आर एक्सपेक्टेड। अगर हम वीकली देखेंगे, वीकली में भी एक स्पिनिंग टॉप वाला फॉर्मेशन से, बट वॉल्यूम सपोर्ट नहीं कर रहा है ऑन वीकली टर्म्स, सो ज्यादा कुछ ऑन वीकली टर्म्स में ज्यादा हाई के ऊपर ज्यादा अपवर्ड मोमेंटम या लो के नीचे ज्यादा अपवर्ड मोमेंटम ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। और अगर हम मंथली टर्म्स में देखेंगे, मंथली टर्म्स में अच्छा खासा बुलिश कैंडल बना रहा है, हालांकि इट इज जस्ट ऑलमोस्ट जस्ट ए 2 week कैंडल फॉर्मेशन, अनदर 2.5 weeks आर लेफ्ट, तो काफी कुछ एक्टिविटी होना बाकी है यहाँ पे। जब तीन आइटम हमने डिस्कस कर लिया, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉपर ऑल्सो। कॉपर में थोड़ा सा नेगेटिविटी है, वीकनेस काफी है। बेसिकली देखो ये जो ट्रेंड लाइन है इसके नीचे क्लोज दे चुका है, यहाँ पर भी जो RSI के ऊपर ट्रेंड लाइन था उसके नीचे कन्विंसिंगली ब्रेक कर चुका है, तो यहाँ पे एज ऑफ नाउ सेल ऑप्टिक्स मे बी कंसीडर्ड। एज ऑफ नाउ द फर्स्ट टारगेट इज 4.15 एंड सेकेंड टारगेट इज 4.06 ऑन डेली टर्म्स। अगर हम वीकली में देखेंगे, वीकली में भी नेगेटिविटी है, लोअर पार्ट ऑफ द बोलिंजर बैंड में है। यहाँ पे बेसिकली ये व्हाट इट सिग्निफाइज, द डॉलर टर्म्स में इट इज हेडिंग टुवर्ड्स 4.1415 टाइम, यानी आने वाले कुछ ट्रेडिंग डेज में वी मे एक्सपेक्ट द कॉपर टू ट्रेड इन बिटवीन 4.06 टू 4.15। ये वाला हो गया एक एक्सपेक्टेशंस। मंथली में अभी कुछ है नहीं, इट्स सम सॉर्ट ऑफ इंडिसिशन कैंडल्स, एक अभी भी 2.5 weeks आर लेफ्ट, तो इसको लेट इट टू कंटिन्यू और कंप्लीट। सो यहाँ पे अगर हम इसको रूपी टर्म्स में देखेंगे, रूपी टर्म्स में भी नेगेटिविटी दिखा गया है। आप अगर प्राइस के ऊपर एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट बनाओगे तो इसके नीचे क्लोज दे चुका है। अगर आप RSI में यहाँ पे एक ऐसा खींचोगे दो लो पॉइंट को जोड़ के, तो ऑलरेडी काफी नेगेटिविटी है इसमें, यानी नेगेटिविटी नहीं बोलेंगे, वीकनेसेस है। सो ऑप्टिक्स में भी सोल्ड इन दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट। वीकली में भी देखेंगे कि ये थोड़ा सा सेल ऑप्टिक्स ही है, प्रोबेबिलिटी है 750 की तरफ आने का। एंड मंथली में ज्यादा कुछ एक्टिविटीज नहीं है, एक इनवर्ट टाइप का फॉर्मेशन से अभी भी मंथ कंप्लीट होना बाकी है। और थोड़ा सा समझने का कोशिश कर लेते हैं नेचुरल गैस को भी। नेचुरल गैस जो डेली टर्म्स में 8.758 में क्लोज दे चुका है, प्राइस अभी अपर पार्ट ऑफ द बोलिंजर बैंड में है, तो इतना नेगेटिविटी एज ऑफ नाउ नहीं है। अगर हम वीकली में देखेंगे, वीकली में एक बहुत ही बड़ा स्पिनिंग टॉप बनाया हुआ है विथ गुड वॉल्यूम, वॉल्यूम अच्छा खासा हुआ है यहाँ पे। दैट बीइंग द केस, एनी प्राइस बिलो द लो ऑफ दिस स्पिनिंग टॉप वी मे सेल, एंड एनी प्राइस अबव द हाई वी मे बाई। उसका टारगेट क्या हो जाएगा, इसके इक्विवेलेंट, ये जो कैंडल है
स्पिनिंग टॉप वाला कैंडल है, इसके इक्विवेलेंट नीचे भी रहेगा और इसके इक्विवेलेंट ऊपर में भी। These are the two targets on weekly time frame on natural gas. It is on dollar terms. अगर ऊपर की तरफ फोड़ता है तो 11.22, अगर नीचे की तरफ फोड़ता है तो 6.50 की तरफ एक्सपेक्टेड है। मंथली देख के अभी एज ऑफ ना फायदा नहीं है, बिकॉज इट इज ऑन द हाफ हाफ ऑफ द ट्रेडिंग डेज आर लेफ्ट इन दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट। अगर हम इसको रूपी टर्म्स में देखेंगे, रूपी टर्म्स में भी सिमिलर एक ही है कि अपर पार्ट ऑफ द बोलिंजर बैंड में प्राइस एक्शन है, तो एज ऑफ नाउ इतना ज्यादा नेगेटिविटी नहीं है, लेकिन एक स्पिनिंग टॉप है, इट्स ए पॉज कैंडल। अगर हम वीकली में देखेंगे, वीकली में आपका एक स्पिनिंग टॉप बनाया है विद गुड वॉल्यूम। सिमिलरली इसके हाई के ऊपर हम बाई कर सकते हैं एंड लो के नीचे हम सेल कर सकते हैं with the target equal to the length of the candle, weekly candle. So it is my unbiased analysis as of now. Other than copper mein mere ko selling ka strong indications hai, lekin gold silver mein aisa kuch price actions dikha nahi hai, means ki yahan se blindly buy kar sakte hai ya blindly sell kar sakte hai, lekin ha rupee terms mein thoda strength dikh raha hai. What it means, रुपी का कंपोनेंट यानी डॉलर रुपी काफी ऊपर की तरफ जाने का प्रोबेबिलिटीज है। तो दिस मच ओनली फ्रॉम माय साइड, लेट मी नो वेदर दिस सर्व्स योर पर्पस और नॉट। थैंक यू।